हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मुझे पता चल गया है आप लोग तेलुगु क्यों सीख रहे हैं। सिर्फ टॉलीवुड के कारण, सिनेमा के कारण, है ना? इसीलिए ये वाली वीडियो भी निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे वाक्यांश वाक्य हैं जो सिनेमा में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, आप हिंदी डबिंग को मत देखिए, आप जो तेलुगु का जो ओरिजिनल सिनेमा है उसी को देखिए। दो बार, तीन बार, चार बार देखिएगा ना, तो आसानी से बात सब समझ में आने लग जाएगी। साथ ही साथ मैं हूं ना, जहां जहां फंसेंगे वहां पे निकालने के लिए। तो आइए आज हम लोग फिर कुछ मजेदार सेंटेंस देखते हैं जो सिनेमा में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है? आइए, जैसे एडुस्तुन्नावा, आप खुद बताइए, मैं कितने बार बताई हूं एडुस्तुन्नावा क्या होता है? एडुस्तुन्नावा, एडसु मतलब रोना, एडुस्तुन्नावा मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? रो रहे हो क्या? एडुस्तुन्नावा, रो रहे हो क्या? यदि फ्रेंड्स किसी का आंसर देना रहेगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एडुस्तुन्नानु मतलब रो रहा हूं या रो रही हूं। इससे पहले भी मैं बहुत सारे टेंस वाले वीडियो में इसमें बता चुकी हूँ, है ना, लेकिन आज हम लोग केवल फिल्मी डायलॉग की बातें करेंगे। तो एडुस्तुन्नावा, रो रहे हो क्या? एडुस्तुन्नावा, रो रहे हो क्या? यहाँ पर मैं पहले तेलुगु वाले ही शब्द पहले लिखी हूँ, ताकि देखते हैं कि आप कितना पहले उसको पकड़ पाते हैं, ठीक है? देखिए, पिच्चे किंदा, पिच्चे किंदा, पिच्चे किंदा मतलब क्या होता है? पिच्ची, पहले बताई ना, पिच्ची, पिच्ची मतलब क्या होता है? पागल। तो पिच्चे किंदा, पिच्चे किंदा, पागल हो गए क्या? जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उल्टा पलटा कुछ बोल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पागल हो गए क्या, ऐसा बोलते हैं ना तेलुगु में बोलेंगे तो? पिच्चे किंदा, पिच्चे है पेरु, पिच्चे किंदा ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना? पिच्चे किंदा। नीके महीना, नीके महीना, नीके महीना तुम्हें क्या हो गया है? नीके महीना, पिच्चे किंदा तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है ना, ये दोनों सेंटेंस एक साथ बोलते हैं। देखिए, नीके महीना पिच्चे किंदा, नीके महीना पिच्चे किंदा, हिंदी में बोलना है तो तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गए क्या? तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गए क्या? नीके महीना पिच्चे किंदा, समझ गए ना? अगला है देखिए, एम कादू, एम कादू, एम कादू क्या बोलेंगे? एमी, कुछ भी नहीं, कादू कुछ भी नहीं, ठीक है ना? एम कादू, एम कादू, जैसे मान लीजिए कोई पूछता है ना, एंटी आएंगी, एंटी आएंगी, तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। तेलुगु में बोलना है तो बोलेंगे एम कादू, कुछ भी नहीं हुआ, एम, एम मतलब कुछ भी, कादू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एम कादू। फ्रेंड्स, हालांकि होता एमी, लेकिन जब जल्दी जल्दी बातें करते हैं तो एम कादू, एम कादू ऐसे ही बोलते हैं, एम कादू, ठीक है? एक है लेकुर्चो, 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 लेकुर्चो मतलब क्या होता है? ले, बताएंगे ना, ले, ले मतलब उठो, कुर्चो, कुर्चो। हालांकि फ्रेंड्स, कूचो कूचो वर्ड सुनाई देता है बीच में, लेकिन रा हल्का सा साइलेंट रहता है, ठीक है ना? ले कुर्चो, उसको सही बोलेंगे, ले कुर्चो मतलब ले उठो, कुर्चो बैठो। यहाँ पर उठो बैठो नहीं है, यदि कोई सोया हुआ है तो बोलेंगे ना ले मतलब उठो, कुर्चो बैठो, उठकर बैठो। यदि कोई सोया हुआ है तो क्या बोलेंगे? ले कुर्चो मतलब उठकर बैठ जाओ, ले कुर्चो, कोई सोया हुआ है तो बोलेंगे ले कुर्चो उठकर बैठ जा, ठीक है? उसी प्रकार से परऊ तीसे सिंधी, परऊ, परऊ मतलब क्या होता है? बहुत मजेदार है ये, परऊ मतलब इज्जत, ठीक है ना? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये फिल्मी डायलॉग है ना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, परऊ मतलब इज्जत। तीसे सिंधी, तीसे सिंधी, तीसना मतलब निकाल दी, सिंधी लड़की के लिए, ठीक है ना? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो क्या बोलोगे? परऊ तीसे सिंधी, परऊ तीसे सिंधी, परऊ तीसे सिंधी, इज्जत मिट्टी में मिला दी, परऊ तीसे सिंधी, इज्जत मिट्टी में मिला दी, फिल्म में डायलॉग है ना? अगला डायलॉग देखिए, ईवन्नी नीके इंदुकु, ईवन्नी नीके इंदुकु
को इसमें बहुत सारे शब्द मिले हैं, इसीलिए अचानक सुनने से समझ में नहीं आता। आइए तोड़ तोड़ के समझते हैं, ठीक है। हालांकि इसका मतलब होता है इवन्नी नी के इंद को, मतलब ये सब तुम्हें क्यों, ये सब तुम्हें मैं क्यों बताऊं, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ये सब तुम्हें मैं क्यों बताऊं। तेलुगु में बोलेंगे इवन्नी नी के इंद को, यहाँ पर देखिए बोलेंगे इवन्नी मतलब ये सभी, नी के तुम्हें, इंद को क्यों मतलब ये सभी तुम्हें क्यों, इवन्नी मतलब ये सभी, नी के तुम्हें, इंद को क्यों, इवन्नी नी के इंद को ये सब तुम्हें क्यों। कभी कुछ बोलना है किसी को ना, ये सब तुम्हें क्यों, कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है ना, और हमें उसे बताने की इच्छा नहीं है, हम उसे कुछ भी नहीं बताना चाहते, तो बोलेंगे इवन्नी नी के इंद को, इवन्नी नी के इंद को मतलब ये सब तुम्हें क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब, इवन्नी नी के इंद को, ठीक है ना, इवन्नी नी के इंद को मतलब ये सब तुम्हें क्यों, ये सब तुमको क्या मतलब, ऐसा, ठीक है। आगे है उदलैरा, 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 उद्दू मतलब नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, उद्दू मतलब नहीं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे उदलैरा मतलब छोड़ो रे, उद्दू, उद्दू मतलब छोड़ दो, उद्दू उद्दू छोड़ दो उसको, ठीक है ना, तो उदलैरा मतलब कोई व्यक्ति कुछ आपसे बातें कर रहा है, ठीक है ना, बातें कर रहा है और आपको लगता है अब छोड़ो ये सबको, उदलैरा मतलब ये सब छोड़ो, दूसरी बातें करो, तो वहां पे यूज करते हैं उदलैरा, ठीक है, उदलैरा छोड़ो रे, उदलैरा, यहाँ पे देखिए रा रेस्पेक्ट के लिए नहीं है, क्लोजनेस के लिए है, ठीक है ना, उदलैरा छोड़ो रे, ऐसे। अगला देखिए बहुत मजेदार फिल्मी डायलॉग क्या है, वदले प्रस्कते ले दू, वदले प्रस्कते ले दू, यदि मान लीजिए कोई हीरो है, उसके माँ बाप लगे हैं उसको, तुम छोड़ दो, तुमको उसके साथ नहीं रहना है, नहीं रहना चाहिए, वो क्या डायलॉग मारेगा, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, होता है ना, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि तेलुगु में बोले तो क्या बोलेंगे, तेलुगु में बोलेंगे वदले मतलब छोड़ने का, प्रस्कते सवाल ले दू है नहीं, पैदा ही नहीं हो रहा है, मतलब वदले प्रस्कते ले दू, वदले प्रस्कते ले दू, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, वदले प्रस्कते ले दू, फिल्मी डायलॉग। अगला है देखिए ना माटा विनो, ना माटा विनो, बताइए ना मेरा, माटा बातें, विनो सुनो, मेरी बातें सुनो, ना माटा विनो मेरी बातें सुनो, बड़े रहेंगे तो ना माटा विनंडी मेरी बातें सुनिए। और देखें, देखिए नेनु रानु, नेनु रानु, बताइए नेनु मतलब क्या हुआ, मैं, रा आओ होता है ना, नो नहीं मतलब मैं नहीं आऊंगी, नेनु रानु, नेनु रानु मैं नहीं आऊंगी, नेनु रानु मैं नहीं आऊंगा, यह दोनों प्लेस सेम ही रहे, नेनु रानु मैं नहीं आऊंगी, नेनु रानु मैं नहीं आऊंगा, है ना मजेदार। चलिए एक और बहुत मजेदार बोलूं, आइए अगला देखते हैं, सुदंडेगा, सुदंडेगा इसका मतलब होता है बिल्कुल फालतू है, यदि हमें किसी को बोलना है कि आपकी जितनी बातें हैं सब फालतू है, है ना, जब किसी से बातें हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, तो उसी बीच बोलते हैं ना आपकी सब बातें फालतू है, बेकार है, तो उसको कैसे बोलेंगे तेलुगु में, नीतो माटलाडतम मतलब तुमसे बातें करना, नीतो मतलब तुमसे, नीतो तुमसे, मीतो बोलेंगे तो आपसे हो जाएगा, है ना, या आप लोगों से, यदि ज्यादा लोग रहेंगे तो फिर मीतो बोलेंगे, यदि कोई बड़ा है तो मीतो बोलेंगे, लेकिन कोई बराबर का या छोटा है तो नीतो बोलेंगे, ठीक है ना, देखिए नीतो माट लाडटम, माट लाडटम मतलब बातें करना, इतना तो सीखे गए होंगे आप लोग, है ना, माट लाडटम, माट लाडटम बातें करना, नीतो माट लाडटम बातें करना, यदि बोलेंगे नाकु चाला इष्टम मतलब मुझे बहुत पसंद है, नीतो माट लाडटम नाकु चाला इष्टम मतलब चाला मतलब बहुत, इष्टम मतलब पसंद है, लेकिन यहाँ पर तो बेकार की बातें हो रही है ना, बेकार वाली बता रही हूं मैं, तो यहाँ पे सुदंडेगा, सुदंडेगा यूज करना है, तो क्या बोलेंगे, नीतो माट लाडतम
सुदंडगा मतलब सुदंडगा, सुदंडगा मतलब बेकार है, तुमसे बात करना ही बेकार है। अभी मैं प्यार वाली बातें बता रही थी, चाला इष्टम, यहाँ पे चाला इष्टम नहीं है, किसी से लड़ाई हो रही है, लड़ाई होते समय वो बीच में कहता है तुमसे बात करना ही बेकार है, तो क्या बोलेंगे तेलुगु में, नीतो मातलाडतम सुदंडगा, नीतो मातलाडतम सुदंडगा, इस तरह से। अगला देखें फ्रेंड्स, ना वाइपु चूड़ ना वाइपु चूड़ ना मेरे वाइपु तरफ चूड़ देखो, ना वाइपु चूड़ मेरी तरफ देखो, ना वाइपु चूड़ेंडे मेरी तरफ देखिए, वाइपु तरफ, ठीक है। अगला देखिए, ना वल्ला कादु ना वल्ला कादु ना वल्ला कादु मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा मतलब कुछ काम करते करते थक जा रहे हैं तो लास्ट में बोलते ना मुझसे नहीं होगा, ऐसा बोलता है ना, मुझसे नहीं होगा, तेलुगु में बोलना है तो ना वल्ला कादु ना वल्ला कादु, समझ गया ना, ना वल्ला कादु मतलब मुझसे नहीं होगा, इस तरह से मुझसे नहीं होगा। अगला है रच्चा चैकरा, रच्चा चैकरा, रच्चा चैकरा का मतलब होता है बिना मतलब के नहीं बोलना है, मतलब बिना मतलब के मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारी बातें वहां पे बोलने की आवश्यकता नहीं है, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, उस प्लेस पे, लेकिन फिर भी जो है ना उसी को किचिर किचिर करके उसी में लगे हुए रहते हैं, उसी बात में लगे हुए हैं, तो उस समय में बोलते हैं रच्चा चैकरा, रच्चा चैकरा मतलब फालतू फालतू का मतलब यहाँ आवश्यकता नहीं है फिर भी मत बोलो, तो वैसे में बोलेंगे रच्चा चैकरा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी पर बोलते हैं इंदुकु रच्चा चेस्तुन्नावु, इंदुकु रच्चा चेस्तुन्नावु मतलब तुम क्यों वहीं पे किचिर किचिर करने में लगे हो, इस बात की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे इंदुकु मतलब क्यों, रच्चा चेस्तुन्नावु, रच्चा चेस्तुन्नावु मतलब ये सब बात यहाँ पर तुम क्यों उठा रहे हो, यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे किचकिच मत करो, यहाँ पे इसकी इसका स्थान नहीं है, इसको बोलेंगे इंदुकु रच्चा चेस्तुन्नावु, इंदुकु रच्चा चेस्तुन्नावु, तो रच्चा चैकरा। एक और फ्रेंड्स, गलीच गाड़ू, गलीच गाड़ू किसे बोलेंगे, बहुत अजीब सा लग रहा है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गारू, एक होता है गारू है ना, तो गारू शब्द जो होता है ये रिस्पेक्टेबल होता है, किसी के साथ हम लोग जैसे जी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, कोई बड़े व्यक्ति हैं तो जब हम लोग उसके साथ जी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, कोई भी बड़े आदमी रहेंगे तो जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं तो क्या बोलेंगे मोदी गारू उच्छेरू मतलब मोदी जी आए थे, तो गारू का मतलब क्या होता है जी। तो इससे पहले भी मैं बताई ना आपको कि जब रू लगा देंगे तो रेस्पेक्ट चेस्तुन्नारू, ठीक है ना, उसी प्रकार से जब रू लगा देते हैं रू तो रेस्पेक्ट नहीं होता है, छोटे के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे गारू, गारू की जगह यूज कर सकते हैं गाड़ू, गाड़ू, गाड़ू मतलब छोटों के लिए, इसमें रेस्पेक्ट नहीं रहता है। बहुत बार बच्चों के साथ जब प्यार से बोलते हैं, जो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है ना, छोटा बच्चा है मान लो मोहित है, तो बोलेंगे ना मोहित गाड़ू अच्छेरू, मोहित गाड़ू अच्छेरू मतलब मोहित आया हुआ है, मतलब छोटा भी है और उसको रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, तो उसको गाड़ू बोलते हैं, प्यार से बोलेंगे तो गाड़ू बोलेंगे, ठीक है, तो उसी प्रकार से बोलेंगे गलीच गाड़ू, ठीक है ना, गलीच मतलब होता है ना एकदम फालतू आदमी, नीच, एकदम गलीच आदमी है मतलब एकदम नीच आदमी है, ऐसा बोलते हैं ना, उसी प्रकार से गलीच गाड़ू मतलब फालतू आदमी, गलीच गाड़ू फालतू आदमी। फ्रेंड्स इस चीज को मैं इसलिए बताई क्योंकि सिनेमा में बहुत प्रयोग किया जाता है इसका, गलीच वाड़ू नरु मतलब उन लोग जो है गलीच आदमी है, तो उसको बोलेंगे गलीच गाड़ू, गलीच गाड़ू मतलब फालतू आदमी, सिनेमा में गलीच गाड़ू, गलीच गाड़ू फालतू आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है, गलीच गाड़ू नरु मतलब गलीच गाड़ू, गलीच गाड़ू मतलब वो फालतू आदमी है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही है वीडियो, मजा आ रहा है ना, तो आज से आप हिंदी डबिंग को ना देख करके तेलुगु डबिंग को देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी लगी वीडियो, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।